और रिश्तेदारों और मोहताजों और मुसाफिरों को उनका हक अदा करो और फजूल खर्ची से माल न उड़ाओ कि फजूल खर्ची करने वाले तो शैतान के भाई हैं और शैतान अपने परवरदिगार की नेमतों का कुफरान करने वाला यानी नाशुक्र है। और अगर तुम अपने परवरदिगार की रहमत यानी फराख दस्ती के इंतजार में जिसकी तुम्हें उम्मीद हो इन मुस्तहकीन की तरफ तवज्जो न कर सको तो इनसे नरमी से बात कह दिया करो और अपने हाथ को न तो गर्दन से बंधा हुआ यानी बहुत तंग कर लो कि किसी को कुछ दो ही नहीं और न बिल्कुल खोल ही दो कि सभी कुछ दे डालो और अंजाम ये हो कि मलामत ज़दा और हसरत ज़दा होकर बैठ जाओ।